मुजफ्फरनगर में ककरौली थाना पुलिस ने सोमवार देर रात गोकशी की सूचना पर जड़वाड़ा गांव के जंगल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान गो तस्करों ने पुलिस पर सीधे फायरिंग कर दी। गनीमत यह रही कि फायरिंग में किसी भी पुलिसकर्मी को गोली नहीं लगी। वहीं पुलिस ने घेराबंदी कर मुठभेड़ के बाद दो गो तस्कर कमरू और समरू को गिरफ्तार किया है, जबकि इनके तीन साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से भागने में कामयाब। पुलिस ने घटना स्थल से भारी मात्रा में गोमांस, गोकशी के उपकरण और आरोपियों से एक तमंचा भी बरामद किया है। क्राइम स्टोरी के लिए मुजफ्फरनगर से दीपक वस्त की रिपोर्ट। ये आज आपके डायरी का पुलिस को सूचना मिली थी, गटवाड़ा के जंगल में गोकशी हो रही है, जिस पर थाना प्रभारी जितेंद्र फोर्स के रवाना हुए और दबिश दी गई और दो लोगों को मौके पर गम फंसे करते पकड़ लिया और उन्होंने फापड़ी से फायर की और तमंचा भी बरामद हुआ इनसे, और तीन लोग अंधेरा का मौका उठाकर भाग गए। इनसे गाय काटने के, गौकशी करने के उपकरण और करीब 1.5 क्विंटल मांस गाय का बरामद हुआ और खाद बरामद हुई है, और तीन साथी इसके भाग के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। जो पकड़े गए इनका नाम कमरू और शमशु है और बाकी कार्रवाई निकाल चुके।